ना वीडियो ना एटा वो देखो जो भी है आसाम का बात नहीं, हम बोल रहा हूँ आपका ऑफिस में बात हुआ, किसी से बात हुआ है पहले? बात हुआ है मतलब बात हुआ, ऑफिस में बात कीजिए, जाते हैं उसको पकड़िए। अभी आप लोग के पास एक रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ, ठीक है? आप मैसेज फॉरवर्ड, मैसेज हम फॉरवर्ड कर देंगे, इमीडिएटली मतलब रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को जो भी है वो ऑफिस से बात होता है, हमारे लेवल पे कुछ नहीं है यहाँ। आप लोग फॉरवर्ड कर दो, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने वाला है। कम से कम 70% रोड बोर्ड भी ब्लॉक, जो भी है कोई दादा है ये है 70% रिक्रूटमेंट 70% कम से कम है। आप अपना जो है ना ये TSR को लिखा लिया और दूसरा नाम है आपका डिटेल्स है और कॉन्टैक्ट नंबर और लिखा दीजिए, हाँ लिख दे दीजिए जो भी आपका लोग हैं, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए सर। वेरी गुड। ये क्यों बना? सोनामुरा कुलुबारी में इसलिए आया तो मेरे साथ और भी जनता आया, लोकल पीपल सब, ठीक है? तो हम लोग सोनामुरा कुलुबारी में ONGC का साइट में आया तो हम लोग रोड किस लिए ब्लॉक किया, क्योंकि बहुत सालों से ONGC के अंडर पे यहाँ पे प्राइवेट रिग आता है ड्रिलिंग का, ठीक है? तो वो प्राइवेट है, ठीक है? तो प्राइवेट में देखा जाए सब बाहर का लोग ही रिक्रूट करता है, तो हमारा त्रिपुरा का कोई चांस ही नहीं मिलता है, ठीक है? तो त्रिपुरा लोगों को भी चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा भी है उन लोग को भी लेना चाहिए। और दूसरी बात है, कोई कोई ऑफिसर बोलता है यहाँ पे एक्सपीरियंस बंदा होगा, मैं उन लोग को डायरेक्ट एक बात बोलना चाहता हूँ, जो नया फ्रेशर है वो लोग को आप चांस नहीं देंगे तो कैसे काम सीखेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? तो त्रिपुरावासी को भी काम करने का मौका देना चाहिए। त्रिपुरा में बहुत लड़का है, बहुत पीपल्स है जो पढ़ाई करके बैठा है, नौकरी के तलाश में है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब से ही फैमिली चलाता है, ठीक है? प्राइवेट जॉब्स करने के बाद भी फैमिली चल सकता है। तो मैं मेरा विनती होगा ONGC का एसेट मैनेजर के पास, ठीक है? तो आप थोड़ा ये मैटर को देखिए, हमारा जो त्रिपुरा का वासी है उन लोग को भी जो ONGC का अंडर पे जो मतलब ड्रिलिंग पे एनी प्राइवेट रिग आ रहा है तो उस रिग में उसको काम करने के लिए रिक्रूटमेंट करने के लिए 60% हम लोग का लोकल पीपल का डिमांड है, 60% लोग यहाँ का रिक्रूट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग आज सोनामुरा कुलुबारी ONGC साइट में आंदोलन करने के लिए आया है, ठीक है? तो ONGC का कुछ ऑफिसर से भी बात हुआ है तो वो लोग कमिटमेंट दिया है, मतलब ये हमारा बात हमारा मैसेज दूर तक लेके जाएगा, हम लोग को हेल्प करेगा। आगे क्या होता है अभी तक पता नहीं है, ठीक है? तो मैं त्रिपुरा का डेवलप के लिए मतलब त्रिपुरा का जो लोग है उसको मतलब नौकरी मिले, ठीक है? प्राइवेट हो या जो भी हो, मतलब त्रिपुरा का लड़का के लिए सोच के जनता के लिए मैं यही मांग करता हूँ मीडिया वालों से, और मीडिया वालों को शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्रिया। तो हमारा बात थोड़ा मतलब मीडिया तक दूर दूर पहुँचाने के लिए, ठीक है? तो मेरा डिमांड ये है 60% लोग त्रिपुरा से रिक्रूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये ONGC जहाँ जहाँ जाता है काम करता है, हाँ रेगुलर जॉब का मैटर अलग है लेकिन प्राइवेट में तो ONGC वाला दे सकता है, ठीक है? यहाँ पे बहुत लोग है जो पढ़ाई करके घर में बैठा है, नौकरी का तलाश में है, ठीक है? तो मैं उन लोग के बारे में सोच के आज ये फैसला लिया है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारा जनता आया है तो सोनामुरा कुलुबारी ONGC को सजाना है, फिर हम बाहर वालों को देखेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि बाहर वाला काम कर नहीं पाएगा, ठीक है? बाहर वाला भी काम कर पाएगा, हम लोग भी काम करेगा, ठीक है? तो मिलजुल के काम करेगा, लेकिन हमारा मेन जो डिमांड है वो 60% लोग त्रिपुरा का रिक्रूट करना पड़ेगा 60% लोग रिक्रूट करना पड़ेगा, वही हमारा डिमांड है। और दूसरा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो हमारा ONGC का यूनियन है, एम्प्लॉय यूनियन सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ ये मैटर भी थोड़ा देखने के लिए, ठीक है? तो
तो वो लोग भी हम लोग को सपोर्ट करे, ऐसा मैं विनती रखता हूँ उन लोग के सामने। जैसे हम लोग का ये त्रिपुरा का ONGC का एक यूनियन होता है, एम्प्लॉय यूनियन, ठीक है। तो उन लोग से मैं गुजारिश करूँगा, चाहे वो सेक्रेटरी हो या प्रेसिडेंट हो, तो ये मैटर को थोड़ा देखे। और ख़ास करके मैं ONGC का जो त्रिपुरा का एसेट मैनेजर है, उन लोग मतलब सर से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, तो हमारा डिमांड को फुलफिल किया जाए, ठीक है। यही मेरा ख्वाहिश है, यही मेरा मतलब डिमांड है। मैं हम लोग जनता के मतलब जनता की तरफ से मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिपुरा का डेवलप के लिए मेरा ये डिमांड है और कुछ नहीं है, मतलब सबको नौकरी मिले, मतलब प्राइवेट हो या रेगुलर हो। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम शिवदास धर है। मैं भी ऑयल फील्ड में जॉब करता हूँ, 2009 से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऑयल फील्ड ऐसा होता है, यहाँ पे मतलब काम सीखने के बाद आदमी लोग का भविष्य उज्जवल होता है। तो मैं त्रिपुरा वासी को, नौजवानों को बोलूँगा, तुम लोग भी आगे आओ, ड्रिलिंग का काम सीखो और तरक्की करो, आगे बढ़ो और इंडिया का नाम रोशन करो, ठीक है। जय हिंद।